हेलो क्लास सिक्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 एंड 4 इस वीडियो में आज हम करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। एक लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है एक्स वाई, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें खींचना है। हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर, यानी एक्स वाई जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमें गिवन है 10.3 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हमारे हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, टेक एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, टेक एनी पॉइंट पी। पी एक पॉइंट हमको लेना है किस पर, बाइसेक्टर पर, ठीक है। जो हम बाइसेक्टर उस पर बनाएंगे अपने लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर, उस पर जो भी हमारा बाइसेक्टर आएगा उस पर हम एक पॉइंट पी ले लेंगे और एग्जामाइन करेंगे कि पी एक्स और पी वाई इक्वल हैं या नहीं। और बी पार्ट में हमें क्या करना है, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई जो हमारी लाइन गिवन थी, लाइन सेगमेंट जो हमें गिवन था, उसका हमने बाइसेक्टर जो करेंगे तो वो बाइसेक्टर एक्स वाई को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा एम होगा, ठीक है। तो वो एम जो है हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई का, है ना। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई। तो एम एक्स और एक्स वाई की लेंथ में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। सबसे पहले हमारा वर्क है कि एक लाइन सेगमेंट हम 10.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 0 पर और 10.3 पर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को, दैट वन, इसको हम बहुत ही नीट एंड क्लीन जॉइन कर देते हैं, बहुत ही शार्पली जॉइन करेंगे और इसकी नेमिंग हम कर देते हैं दैट इज़ एक्स एंड वाई। 10.3 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हमारा बन चुका है। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और यहाँ वाई और एक्स से, ठीक है, एक डिस्टेंस लेंगे ऊपर नीचे, इसको हम इस लाइक दैट इसको कट कर देते हैं। फिर हमने वाई पर अपने कंपास के पॉइंटर पर रखा और इस तरह से अप एंड डाउन में आर्क लगा दिया और बहुत ही इसको केयरफुली आप इसको, ये दो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं, इन पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली आप जॉइन कर देंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम जॉइन कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट्स जॉइन हो गए हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारा आया है दैट इज़ एम, ठीक है। एक्स वाई का मिड पॉइंट आ जाएगा ये एम, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहाँ ये कट करेगा ये एक्स वाई हमारी बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट पार्ट हम क्या है इसको रीडिंग कर लेते हैं। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर। अब हम एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं बाइसेक्टर पर, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने ये एक पॉइंट मान लिया है पी, और हमको क्या शो करना है, देखना है पी एक्स इक्वल टू पी वाई है या नहीं है। ओके, तो हम पी से बहुत ही केयरफुली तरीके से दोनों पॉइंट्स को, एक्स पॉइंट को और पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये हमने जॉइन कर दिया है, इसी तरह से सेम हम क्या जॉइन कर देंगे, वाई से भी हम पी को जॉइन कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से करना है आपको, स्केल आपका बहुत ही ध्यान से पकड़ना है आपको, हिल ना जाए, ठीक है। अब ये हमारी डिस्टेंस हो गई है पी एक्स, ये डिस्टेंस हो गई है पी वाई। हम ए पार्ट राइट करके लिख लेते हैं ऑन मेजर, ठीक है।
ऑन मीज़र, ठीक है, मीज़र करने पर हमको क्या मिलेगा। देखिए पी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, पी वाई की हम वैल्यू निकालेंगे बाई मीज़र। तो यहाँ हम देख लेते हैं अपने रूलर से कि हमारी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है, मीज़र कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा पी एक्स है, पॉइंट हमने पी पॉइंट पर रखा 0 और वाई पर रखा हमारा इधर का पॉइंट, ये आ गया 5.567, ठीक है, ओके 5.7 सेंटीमीटर, राइट, पी एक्स की वैल्यू आ गई है। सेम इसी तरह से हम मेज़र कर लेंगे, देख लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट हमारी आ रही है यहाँ पर, लाइक दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ 0 पर रखा है वाई का पॉइंट, 5.567, बिल्कुल 5.7 एक्यूरेट, एकदम हमारे पास 5.7 ही आ चुकी है। तो इससे हमें क्या मिला ए पार्ट में, पी एक्स इक्वल टू पी वाई, ठीक है, हमको पी एक्स इक्वल टू पी वाई मिल चुका है और यही हमें चेक करना था। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट, अब हम बी पार्ट करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में हमारे पास है इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है एक्स वाई का, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स और एक्स वाई, एम एक्स और एक्स वाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं लेंथ के बारे में। तो एक्स वाई तो आपको ऑलरेडी 10.3 गिवन है, ठीक है, तो अगर ये जो हमारा एम बाइसेक्टर है एक्स वाई का, है ना, ये एक्स था ना, एक्स वाई का बाइसेक्टर है, तो एम एक्स जो होनी चाहिए एक्स वाई की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, क्योंकि बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एम एक्स और एक्स वाई में हमारा क्या रिलेशन बन जाएगा, तो एक्स वाई जो हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी एम एक्स की। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो एम एक्स की ट्वाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर, ओके, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लेंथ दे रखी है 12.8 सेंटीमीटर, यूजिंग कंपास, कंपास का हमें यूज़ करना है, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और इस लाइन सेगमेंट को जो कि 12.8 का है इसको 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में एक्चुअली इसको डिवाइड करना है यूजिंग कंपास, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट मींस हम रूलर से, स्केल से इसको हर एक पार्ट जो हमारे आएंगे उनको मेजर करेंगे और वेरीफाई करेंगे वेदर दीज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 12.8, ओके, यहाँ पर हमें पहले 0 पर एक पॉइंट लगाते हैं और ये 12 हमारी डिस्टेंस आ गई है, 12 के बाद 12.5, 12.6, 7, 8, ठीक है, और आप देख लीजिए 13 से, 13 का ये रहा 1, 2, 13 से 2 पॉइंट पहले यहाँ पर हम अच्छे से पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दो आप देख पा रहे हैं दैट वन दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको हम बहुत ही केयरफुली तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा लाइन सेगमेंट आ जाएगा जो हमको ड्रॉ करना था 12.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 12.8 सेंटीमीटर का हमारा एक लाइन सेगमेंट आ गया है, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं कुछ भी, इसका नाम हम पी के, कुछ भी नाम रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू रख दीजिए, ए बी रख दीजिए, पी एस रख दीजिए, ठीक है,
एसेट्रा एसेट्रा। अब हमको इसके फोर इक्वल पार्ट करने हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं जो मैंने आपको अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था वो लाइन सेगमेंट को टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहले इसके हम टू पार्ट करेंगे, फिर जो टू पार्ट्स आ जाएंगे उनके फिर से हम टू टू पार्ट्स करेंगे, तो हमारे टोटल फोर पार्ट्स हो जाएंगे। तो जल्दी से हम अपने कंपास को ले लेते हैं लाइक दैट, थोड़ी मेजरमेंट इसके हाफ से ज़्यादा ले लेंगे जिससे ये ऊपर नीचे कट हो जाए। ठीक है, हमने के पर पॉइंट पर रखा, प्रेस करके रखा जिससे हिल ना जाए, और एक हमने आर्क अप एंड डाउन लगा दिया। इसी तरह मेजरमेंट को सेम रखते हुए पी पर थोड़ा सा प्रेस करके रखा और ऊपर नीचे हमने कट कर दिया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन करने वाले हैं डॉटेड। ठीक है, हम किस तरह ज्वाइन करेंगे, डॉटेड ज्वाइन करेंगे। इसको पॉइंट को इस तरह से आप लगा लीजिएगा और यहाँ से बहुत ही केयरफुली तरीके से आप इसको रखिएगा। ठीक है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना है, और इस काम में मुश्किल से मुश्किल एक मिनट लगता है बस। अगर आपकी लाइन थोड़ी सी भी तिरछी हो गई ना तो आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये डॉटेड तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको पॉइंट को आप मान लीजिए M। ठीक है, M पॉइंट आ गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो डॉटेड मैंने लाइन मिलाई थी ये M पॉइंट पर कट कर रही है हमारे लाइन सेगमेंट पी के को। ठीक है, अब ये दो हमारे इक्वल पार्ट आ चुके हैं, एम के एंड पी एम। ठीक है, अब हम इन दो इक्वल पार्ट्स के फिर से दो दो पार्ट करेंगे जिससे हमें टोटल फोर पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस थोड़ी सेगमेंट लाइन को हम मेज़र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा ये लाइन सेगमेंट छोटा हो गया है। अब हमने एम पर रखा और एक मार्क ऊपर और नीचे लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह से पी पर रखेंगे हम कंपास का पॉइंट और अप एंड डाउन इस तरह से आर्क लगा देंगे। ठीक है, और ये आर्क जो हमारी प्रीवियस आर्क थी जो हमने एम से लगाया था उनको कट कर देगी दो पॉइंट्स पर, ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी मेजरमेंट से एम पर आप फिर से एम पर रखेंगे और लाइक दिस आप लगा देंगे आर्क अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर और नीचे आर्क लगा देंगे। फिर से हम के पर रखेंगे और के पर रखने के बाद अप एंड डाउन आर्क लगा देंगे। जहाँ पर आपकी आर्क नहीं मिल पाएंगी उसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं फिर से हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही केयरफुली। ठीक है, ये भी हमको डॉटेड करने हैं। ठीक है, और इस लाइन पर यहाँ हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला यहाँ पर, और इसी तरह से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हैं लाइक दिस। ठीक है, ज्वाइन हमने कर दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ पर भी कट हो गया। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया है L और N, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं इधर और इधर। अब टोटल हमारे पास PL, LM, MN और NK, ये चार पार्ट हो गए हैं हमारे PK के। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, इस पी के लाइन सेगमेंट को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्वल फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी सब इक्वल हैं कि नहीं, हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो पी एल को आप मेज़र करते हैं, एल एम को भी मेज़र करते हैं। ठीक है,
इसी तरह हम एम एन को मेज़र करते हैं और एन के को भी मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्केल है जिससे हम मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम रख कर देखते हैं हमारा ये कितना आ रहा है। ज़ीरो पर रखते हैं एल, और यहाँ देखिए आप ये आ रहा है हमारा ज़ीरो का पॉइंट 3.1, 3.2, ये हमारा 3.2 दिख रहा है आपको, तो ये हमारा 3.2 है। ठीक है, ओके, तो हमारी जो पी एल आई है 3.2 सेंटीमीटर आई है। एल एम को देख लेते हैं, यहाँ पर रख के हम बिल्कुल सेम, ये भी हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है 3.2 आ रही है, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से एन एम को हम देख लेते हैं, ये भी हमारा एक्यूरेट देख रहे हैं आप, 1.2 बिल्कुल 3.2 आ रहा है सेंटीमीटर, और एन के भी जो हमारा आना चाहिए 3.2 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हमने सभी अपने पार्ट्स को मेज़र कर लिया है और हम देख रहे हैं कि हमारा ये सब इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ऑन मेज़र। ठीक है, ऑन मेज़र पी एल एम एन एल एम एन के ऑल आर इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया पी एल इक्वल टू एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन के, सब इक्वल हो गए हैं, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया है कि सारे पार्ट हमारे इक्वल हैं, वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 और 4 कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही।